नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अग्रावत पर स्वागत है। दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और आपने नोटिस किया होगा कि इस बरसात के मौसम में CRT टीवी सबसे ज़्यादा क्यों ख़राब होती है, इसका क्या रीज़न है। तो चलिए, मैं आपको आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि CRT टीवी में बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा क्यों ख़राबी आती है। CRT टीवी चाहे छोटा हो, 20 इंची, 21 इंची, 17 इंची या अल्ट्रा स्लिम कोई सा भी टीवी हो, सभी टीवी में इस तरह के फॉल्ट अभी इस मौसम में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसका क्या कारण है और सबसे ज़्यादा खराबी इस समय क्यों आ रही है, तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ये देखिए, मेरे पास ये टीवी है और भी कई सारे टीवी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा खराबी CRT टीवी में आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं, मेरे पास ये इसका बोर्ड है। तो इसमें आप देखिए, इसमें बहुत ही डस्ट जमा हुआ है PCB बोर्ड पर, धूल मिट्टी इसमें काफ़ी जमी हुई है। तो दोस्तों, ये धूल मिट्टी सभी टीवी में आपको देखने को मिलेगी, देखिए आप। और कई कई बोर्ड तो मैंने ऐसे देखे जिनमें रेजिस्टेंस डायोड जैसे छोटे कंपोनेंट तो PCB पर लगे हुए दिखाई भी नहीं दे रहे और उन पे काफ़ी डस्ट जमा हुआ है। देखिए, यहाँ पर सभी तरफ इस पर डस्ट ही जमा हुआ है, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे। तो दोस्तों, ये डस्ट कहाँ से आती है? जब हमारा टीवी रूम में है उसके बाद भी इसमें डस्ट आ जाती है। और इस समय फॉल्ट आने का सबसे क्या कारण है? तो दोस्तों, अभी एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में इस समय बरसात के मौसम में नमी बनी रहती है, तो जिसके कारण इस PCB बोर्ड पर जमे हुए डस्ट पर भी नमी आ जाती है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर CRT टीवी के लास्ट एनोड पर देखिए, नमी यहाँ पर आ चुकी है। और ये नमी बोर्ड में लगे हुए सभी कंपोनेंट को भी नम कर देती है, क्योंकि इस पर जो डस्ट जमा हुआ है वो डस्ट नमी के कारण गीला हो जाता है। और जब हम टीवी को ऑन करते हैं तो हमारे कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से शॉर्टिंग हो जाते हैं। जैसे ही हम मेन सप्लाई ऑन करते हैं तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस वजह से इस बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा CRT टीवी में फॉल्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर कितना धूल मिट्टी जमा हुआ है। तो दोस्तों, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि डस्ट कहाँ से आती है, तो मैं आगे दिखाने वाला हूँ आपको। देखते रहिए, देखिए यहाँ पर जो वायर हैं सभी वायर पर और PCB बोर्ड पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है और ये वातावरण में नमी के कारण ये गीली हो जाती है, और जब हम टीवी को ऑन करते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आ रही है अभी, और आपने देखा होगा मैकेनिक टीवी रिपेयरिंग की शॉप पर आपको काफ़ी भीड़ नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों, ये डस्ट कहाँ से आती है तो मैं आपको दिखाऊंगा अब। तो ये मैंने इस डस्ट को आपको दिखाया है। तो दोस्तों, ये डस्ट हमारे CRT टीवी में लगे हुए EST इस डस्ट को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, जैसे मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह से ये EST भी इस डस्ट को खींचती है। और जब टीवी ऑन रहता है तब ये खींचती है, और ज्यों ही हम टीवी को ऑफ करते हैं तो ये डस्ट छोड़ देती है, धूल को छोड़ देती है, और ये धूल हमारे पीछे भी बोर्ड या कैबिनेट में जमा होने लगती है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, देखिए मैं टीवी को ऑन करके दिखाऊंगा
और आप देखना जो भी कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, डस्ट, धूल मिट्टी, इनको ये खींचेगी जो ही मैं टीवी को ऑन करूँगा। देखिए आप देख पा रहे हैं ये कचरा, अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो ही ऑन करता हूँ तो ये इसको अपनी तरफ खींचती है, और जो ही टीवी को ऑफ करते हैं तो इस कचरे को वहीं पर ये छोड़ देती है, और ये कचरा हमारे किसी भी बोर्ड या कैबिनेट में जमा होने लगता है, और वातावरण में जब नमी आती है तो ये कचरा या डस्ट गीली होकर के हमारे सर्किट को शॉर्टिंग कर देती है। ये देखिए अब इसको ऑन करूँगा तब ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। ये इसी का लास्ट एनोड का वायर है ये, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा फॉल्ट इस समय हमारे सीआरटी टीवी में आ रहे हैं। देखिए आप ये देखिए इस धूल मिट्टी को ये अपनी तरफ खींचती है, टीवी ऑन रहता है तब खींचती है, और जब भी हम टीवी को ऑफ करेंगे तो ये डस्ट को वहीं पर छोड़ देती है, तो ये डस्ट हमारे बोर्ड पर जमा होने लगती है। और दोस्तों ऐसा नमी, कोहरे या धुंध के समय भी आती है, उस समय भी टीवी में बहुत ज़्यादा फॉल्ट देखने को मिलते हैं, और बरसात के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा खराबी हमारे टीवी में आती है। ये देखिए आप, तो दोस्तों टीवी कैबिनेट, पीसीबी बोर्ड और सीआरटी की जो ये सीआरटी है इसको भी हमें क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए, तो हमारे टीवी में खराबी बहुत कम आएगी। जहाँ कभी जैसा भी कहीं भी आप बोर्ड देखेंगे सभी में इस तरह का डस्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इसी वजह से हमारा टीवी बार बार ख़राब होता है बरसात के मौसम में। तो यही कारण था, और हम इसे ढककर रखेंगे या कपड़े से ढककर रखेंगे तो इस तरह का फॉल्ट नहीं आएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।